हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का रवि अतिथि क्लासेस यूट्यूब चैनल पर फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम जीके का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर्स ऑफ अगस्त सेट वन डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स मैंने इस वीडियो में आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु टुक चार्ज एज द कंट्रोलर जर्नल ऑफ अकाउंट्स सी जे ए अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दीपक दास फ्रेंड्स दीपक दास को इंडिया का कंट्रोलर जर्नल ऑफ अकाउंट्स यानी कि सी अपॉइंट किया गया है चलिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं CJA stands for स्टैंड फॉर कंट्रोलर जर्नल ऑफ अकाउंट फ्रेंड्स ये सी जे एलफॉर्म है इट इज़ एन अकाउंटिंग एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो फ्रेंड्स जो ये सी होते हैं ये अकाउंटिंग एडवाइजर होते हैं का इनके एडवाइजर होते हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रेंड्स ये जो अकाउंट्स और फाइनेंस के फील्ड में कोई भी इंपॉर्टेंट एडवाइस होती है वो गवर्नमेंट को देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हु टुक चार्ज एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एस एन गोरमा डे फ्रेंड्स एस एन गोरमा डे इंडिया की नेवल स्टेट स्टाफ के न्यू वाइस चीफ बने हैं चलिए नेक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स इंडियन नेवी वॉज फाउंडेड ऑन 26 जनवरी 1950 ये इंडियन नेवी की फॉर्मेशन डेट है फर्स्ट होल्डर वॉज सुरेंद्र नाथ कोहली फ्रेंड्स इंडियन नेवी के फर्स्ट होल्डर थे सुरेंद्र नाथ कोहली फ्रेंड्स करंट में चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ हैं एडमारल करमबीर सिंह फ्रेंड्स इंडियन नेवी के हेडकोर्टर्स हैं न्यू डेली में एंड फ्रेंड्स हम नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं फोर्थ दिसंबर को नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन डू वी ऑब्जर्व मुस्लिम वेमेन राइट्स डे फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वन अगस्त फ्रेंड्स वन अगस्त को हम मुस्लिम वेमेन राइट्स डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं मुस्लिम वेमेन्स राइट्स डे इज ऑब्जर्व अक्रॉस द नेशन ऑन वन अगस्त टू सेलिब्रेट द इैक्टमेंट ऑफ द लॉ अगेंस्ट ट्रिपल तलाक तो फ्रेंड्स जो ट्रिपल तलाक था उसको जब अबॉलिश किया गया था और जो नया लॉ पास किया गया था तो उसको याद करने के लिए हम इस मुस्लिम वेमेंस राइट डे को हम सेलिब्रेट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज़ अवार विद द प्रेस्टिजियस लोकमान्य तिलक नेशनल अवॉर्ड फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साइरस पूना वाला फ्रेंड्स साइरस पुणे वाला को नेशनल प्रेस्टीजियस लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड मिला है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं साइरस एस पुणे वाला हु इज फाउंड चेयर पर्सन ऑफ पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एसआईआई वाज कंफर्ट द प्रेस्टीजियस लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2021 ही रिसीव्ड द अवार्ड फॉर द कंट्रीब्यूशन टू द हेल्थ सेक्टर एज़ वेल एज़ द वैक्सीन प्रोडक्शन इन द कंट्री तो फ्रेंड्स जो ये साइरस पूना वाला है इन्हें लोकमान्य ने तिलक नेशनल अवार्ड मिला है एंड फ्रेंड्स ये फाउंडर है एस आई आई के जिसका फुल फॉर्म है सिरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड फ्रेंड्स इन्हें ये अवार्ड इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है हेल्थ सेक्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हु इज अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ वेमेन फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेखा शर्मा फ्रेंड्स रेखा शर्मा चेयरपर्सन बनी है नेशनल कमीशन ऑफ वेमेन की रिसेंटली इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं रेखा शर्मा अज्यूम चार्ज ऑफ चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर वेमेन फ्रेंड्स जो नेशनल कमीशन फॉर वेमेन है ये इस्टेब्लिश हुआ था थर्टी जनवरी नाइनटीन को नेक्स्ट क्वेश्चन

एम्बेसडर फॉर यूरोपोर्ट इंडिया मोटर स्पोर्ट प्रॉपर्टी जॉन अब्राहम इज एन इंडियन एक्टर नेक्स्ट क्वेश्चन विच आई आई टी हैज नीड द फर्स्ट इंडिजीनियस मोटर फॉर ई रिक्शाज फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आई आई टी मद्रास फ्रेंड्स आई आई टी मद्रास ने फर्स्ट इंडिजीनियस मोटर रिक्शाज के लिए मोटर ई रिक्शाज को डेवलप किया है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं आई आई टी स्टैंडस फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आई आई टी का फुल फॉर्म है बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर वॉज द फर्स्ट आई आई टी फाउंडेड इन नाइनटीन फिफ्टी वन बाई इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू तो फ्रेंड्स इंडिया का फर्स्ट आईआईटी था आईआईटी आई खड़गपुर एंड फ्रेंड्स ये 1951 में बनाया गया था एंड फ्रेंड्स इसे किसने फॉर्म किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हुज बिकम द फर्स्ट वेमेन टू लीड द एसोसिएटेड प्रेस इन वन हंड्रेड सेवेंटी फाइव फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डीसी वीर सिंघम फ्रेंड्स डीसी वीर सिंहम फर्स्ट वेमन बन चुकी हैं एसोसिएटेड प्रेस की विद इन द वन 175 फिफ्टी फाइव वन हंड्रेड फाइव ईयर्स फ्रेंड्स वन हंड्रेड सेवेंटी फाइव ईयर्स के अंदर फर्स्ट टाइम एसोसिएटेड प्रेस की फर्स्ट वेमेन लीडर बन चुकी हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट डीसी वीर सिंहम एज ऑल्सो द फर्स्ट साउथ एशियन टू लीड द न्यूज ऑर्गेनाइजेशन इन वन हंड्रेड सेवेंटी फाइव ईयर्स तो फ्रेंड्स जो ये न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है जो ये डीसी वीर सिंह है ये फर्स्ट साउथ एशियन बन चुकी हैं फर्स्ट वेमेन के साथ साथ फर्स्ट साउथ एशियन भी बनी है जो इस न्यूज ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने वाली हैं एंड फ्रेंड्स ये कौन सी कंट्री से है शीज फ्रॉम श्रीलंका नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज द भारत केसरी रेसलिंग दंगल ट्वेंटी ट्वेंटी वन फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाभांशु शर्मा फ्रेंड्स लभांशु शर्मा ने भारत केसरी रेसलिंग दंगल 2021 जीता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं इंडियन रेसलर लाभांशु शर्मा हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग द भारत केसरी रेस्लिंग दंगल 2021 ट्वेंटी वन ऑर्गेनाइज इन तमिलनाडु ही इज़ फ्राम उत्तराखंड एंड फ्रेंड्स ही उत्तराखंड को बिलोंग करते हैं एंड इन्होंने रिसेंटली जो ऑर्गेनाइज हुआ था भारत केसरी रेस्लिंग दंगल 2021 जो तमिलनाडु में ऑर्गेनाइज़ हुआ था इन्होंने ये चैंपियनशिप को जीता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च्ड पानी माह और वाटर मंथ फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लद्दाख फ्रेंड्स लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है इंडिया की इसने पानी माह या वाटर मंथ को रिसेंटली अपने स्टेट में चलाया है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं पानी माह और वाटर मंथ हैज़ बीन लॉन्च्ड इन लद्दाख टू इन्फॉर्म विलेजर्स अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लीन वाटर तो फ्रेंड्स ये कैंपेन है स्पेशली एंड फ्रेंड्स ये लद्दाख में इसलिए चला गया है ताकि लोगों को क्लीन वाटर की इम्पॉर्टेंस के बारे में पता चल सके चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हु हैज़ बिकम द फर्स्ट woman डायरेक्टर इन हंड्रेड ईयर्स ऑफ Geological सर्वे ऑफ इंडिया इन द इंडियन हिस्ट्री फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धृती बनर्जी फ्रेंड्स धृती बनर्जी फर्स्ट वेमन डायरेक्टर बन चुकी हैं इन हंड्रेड ईयर्स में जुलाजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो मेनली कोलकाता में लोकेटेड है चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं द Zoological सर्वे ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड ऑन 1st जुलाई 1916 में ये फॉर्म हुआ था हेडक्वार्टर्स है इसके कोलकाता में एंड फ्रेंड्स डायरेक्टर डायरेक्टर जो अभी करंट में है वो है डॉक्टर ध्रुदीप बनर्जी जो हमारा क्वेश्चन भी था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए क्योंकि फ्रेंड्स ये इंडियन बेस्ड है एंड ऑल्सो द फर्स्ट वन सो इट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यगजामिनेशन नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर वॉज द फर्स्ट वर्चुअल ऑफिशियल मीटिंग जी ट्वेंटी ट्वेंटी करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी थ्री स्टेन्टे जो इटाली में लोकेटेड है फ्रेंड्स यहाँ पर फर्स्ट वर्चुअल ऑफिशियल मीटिंग हुई है जी ट्वेंटी रिसर्च मिनिस्टर्स की इम्पॉर्टेंट पॉइंट द जी ट्वेंटी रिसर्च मिनिस्टर्स मीटिंग ट्वेंटी ट्वेंटी वन इज वन ऑफ द मिनिस्टेरियल मीटिंग्स ऑर्गेनाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ G20 ट्वेंटी लीडर्स समिट 2021 ट्वेंटी विच विल बी होस्टेड बाय इटैली इन अक्टूबर 2021 तो फ्रेंड्स ये स्पेशली एक कैन की मीटिंग थी जो जी जो जी समिट होने वाला है जिसे इटली होस्ट करने वाला है तो फ्रेंड्स इससे पहले एक सिंपल सी रिसर्च मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी एंड फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि ये हुई थी त्रीस्ते में जो अगेन में लोकेटेड है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेन डू वी ऑब्जर्व नेशनल हैंडलूम डे फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेवन अगस्त फ्रेंड्स सेवन अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट नेशनल हैंडलूम डे हैजीन सेलिब्रेटेड ऑन अगस्त सेवन एवरी ईयर सिंस 2015 तो फ्रेंड्स 2015 के बाद से ये नेशनल हैंडलूम डे हर साल मनाया जाता है सेवन ऑफ अगस्त को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनागोरेटेड द फर्स्ट नेशनल हैंडलूम डे टू को मेमोरेट फ्रेंड्स टू को मेमोरेट द स्वदेशी आंदोलन दैट बिगेन इन नाइनटीन तो फ्रेंड्स नाइनटीन में एक स्वदेशी आंदोलन हुआ था तो फ्रेंड्स नरेंद्र मोदी जी जो हमारे करंट में प्राइम मिनिस्टर हैं इन्होंने 2015 में इसे फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट करा था तो फ्रेंड्स ये इसलिए करा जाता है ताकि हम उस दिन को याद कर सकें जब हमने स्वदेशी आंदोलन को फर्स्ट टाइम इंडिया में नाइनटीन में चलाया था नेक्स्ट क्वेश्चन विच अवार्ड इज रीनेमड एज द मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट वेल्थ अवार्ड फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फ्रेंड्स राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का न्यू नेम है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स ज्वेल अवार्ड फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि ये जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है ये स्पोर्ट्स की फील्ड में इंडिया का सबसे नंबर वन मतलब से इम्पॉर्टेंट अवार्ड है एंड फ्रेंड्स इसका नेम चेंज हो गया है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आप इसे प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट ज्वेल अवार्ड फॉर्मली नोन एज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड्स इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स इज द हाइस्ट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ़ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया फ्रेंड्स ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा गेम्स के फील्ड में अवॉर्ड है एंड फ्रेंड्स इसका न्यू नेम है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट ज्वेल अवार्ड इट वॉज स्टैब्लिश ऑन 1992 एंड फ्रेंड्स 1992 को ये फर्स्ट टाइम दिया गया था द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ द अवार्ड वॉज चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद एंड फ्रेंड्स विश्वनाथ आनंद जो थे जो चेस खेलते थे जेस को बिलोंग करते हैं स्पेशली फ्रेंड्स इनको फर्स्ट पार्ट दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जिसका न्यू नेम है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए आई शुड से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए ज़रूर पूछा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट इट हैज लॉन्च मोबाइल एप्लीकेशन भूकंप अलर्ट विच गिवस अर्ली वार्निंग अबाउट अर्थक्वेक्स फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड तो फ्रेंड्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड जो है मिस्टर पुष्कर धामी इन्होंने लॉन्च किया है इन्होंने लॉन्च किया है फर्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन भूकंप अलर्ट जो भूकंप की यानी कि अर्थक्वेक्स के आने से पहले ही वार्निंग दे देगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी लॉन्च मोबाइल एप्लीकेशन भूकंप अलर्ट फ्रेंड्स एप्लीकेशन का नेम भी इम्पॉर्टेंट रहेगा भूकंप अलर्ट इट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च अर्थक्वेक अलर्ट ऐप एंड ये इंडिया का फर्स्ट एड बन गया है जिसने कोई ऐसी एप्लीकेशन को लॉन्च किया होगा तो फ्रेंड्स अगेन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माई ओन मेजगन फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रमेश बाबू फ्रेंड्स रमेश बाबू ने रिसेंटली अभी अगस्त के मंथ के अराउंड ये बुक लॉन्च हुई थी माय ओन मेजगन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए एंड आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया द फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज इज इस्टैब्लिश फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी नोएडा फ्रेंड्स नोएडा में इंडिया का फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज को इस्टैब्लिश किया गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं The Indian Institute of Heritage will be set up in Noida by the government. Friends, government of India is set up in Noida. This will be the first of kind of institution in the country. And Friends, will be the first of this is first kind of institution in the whole country. इट इज़ टू इम्पार्ट एजुकेशन ऑन कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ द नेशन एंड फ्रेंड्स जो ये जो ये हेरिटेज साइट बनाई जा रही है फ्रेंड्स ये इम्पार्ट करेगा यानी कि प्रोवाइड करेगा एजुकेशन ऑन द कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ द नेशन फ्रेंड्स कल्चर इंडिया के जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं फ्रेंड्स उसके ऊपर ये हमें एजुकेशन प्रोवाइड करेगी ये कल्चरल हेरीटेज साइट नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज़ द नेम ऑफ द यूनियन होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजय कुमार भल्ला फ्रेंड्स अजय कुमार भल्ला हमारे यूनियन होम सेक्रेटरी हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स द करेंट होम सेक्रेटरी इज अजय कुमार भल्ला फ्रेंड्स ये हमारे करेंट होम सेक्रेटरी हैं द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अमित शाह तो फ्रेंड्स मिस्टर अमित शाह जी हमारे होम मिनिस्टर हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसरो विल लॉन्च विच कंट्रीज सेटेलाइट नेम्ड एज आई एन एस टू बी फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान तो फ्रेंड्स जो इसरो है ये अफगानिस्तान की जो सैटेलाइट है आई एन एस टू एस बी फ्रेंड्स इसे लॉन्च करने वाला है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल एंड अफ़गानिस्तान की करेंसी है अफ़गानी फ्रेंड्स अफ़गानी अफगानिस्तान की करेंसी है नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज़ द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ होम लेन फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महेंद्र सिंह धोनी फ्रेंड्स महेंद्र सिंह धोनी होम लेन के न्यू ब्रांड अम्बेसडर रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इट वाज फाउंडेड इन 2014 फ्रेंड्स होम लेन की फाउंड फॉर्मेशन डेट है एंड फ्रेंड्स इसके हेड क्वार्टर्स की लोकेशन है बेंगलुरु में नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम डी एंड सी ई ऑफ इंडियन बैंक फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शांति लाल जैन फ्रेंड्स शांति लाल जैन को अभी अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है न्यू एम डी एंड सी ई ओ ऑ ऑ ऑ ऑ ऑफ इंडियन बैंक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इट वॉज फाउंडेड ऑन फिफ्टीन ऑगस्ट नाइनटीन हंड्रेड सेवन को ये फॉर्म हुआ था एंड फ्रेंड्स इसके हेड क्वार्टर्स हैं चेन्नई में नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2021? फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 122. फ्रेंड्स इंडिया के रैंक ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में 122 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए क्योंकि फ्रेंड्स इंडेक्स से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन तो एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फर्स्ट रैंक मिली है फ्रेंड्स इस इंडेक्स में सिंगापुर को इट इज़ फॉलोड बाय सेकेंड रैंक स्लोवेनिया फ्रेंड्स थर्ड रैंक नॉर्वे एंड फ्रेंड्स इंडिया के रैंक है वन नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ लॉन्च इंडिया फर्स्ट एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली इंडिया का फर्स्ट ऑयल मिशन एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम को लॉन्च किया है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पाम ऑयल इन द वर्ल्ड फ्रेंड्स हमने यहाँ पर पाम की बात करी तो फ्रेंड्स जान लेते हैं कि पाम ऑयल का वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर कौन है यानी कि सबसे ज्यादा पाम ऑयल कौन प्रोड्यूस करता है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया सबसे ज्यादा पाम ऑयल को प्रोड्यूस करता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट हैज लॉन्च द ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन पोर्टल फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी गुजरात फ्रेंड्स गुजरात ने रिसेंटली लॉन्च किया है ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन पोर्टल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गुजरात चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी हैज़ लॉन्च ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन एंड पोर्टल फ्रेंड्स जो ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी इन्होंने अभी अभी रिसेंटली लॉन्च किया है इस पोर्टल एंड एज़ वेल एज एप्लीकेशन ई नगर को फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड एज हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुधा मूर्ति फ्रेंड्स सुधा मूर्ति जी ने अभी अभी रिसेंटली अपनी बुक को लॉन्च किया है जिसका नाम है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी एग्जाम्स के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टी सी एस फ्रेंड्स टी सी एस कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट आई टी सर्विस कंपनी बन चुकी है इम्पोर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स टी सी एस एस्टेब्लिश हुई थी वन अप्रैल को फ्रेंड्स एंड इसके हेड लोकेटेड है मुंबई में फ्रेंड्स इसी के साथ हमने अपना ये वीडियो कंप्लीट करा फ्रेंड्स हमने टोटल ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन डिस्कस करे फ्रेंड्स इसका पार्ट टू भी मैं बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगी फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट कर दीजिएगा एंड अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स